नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम लेखराज पटेल, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले गांव गुमटी का निवासी हूं। तो किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आपकी और हमारे यूट्यूब चैनल लकी बाबा इन्फोटेक पर। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं। तो किसान भाइयों, ये सीरीज पत्ता गोभी की होने वाली है। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, कुछ इस प्रकार से हमने हमारे खेत में पत्ता गोभी लगाई है। ये हमारी टोटल 8 बीघे की पत्ता गोभी है। सबसे पहले तो हमने हमारी पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार की। उसके बाद नर्सरी में हमने एक दवाई का स्प्रे किया ईल को मारने के लिए। उसके बाद में तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमने हमारी पत्ता गोभी को मजदूरों द्वारा हमने पहले तो इनका जो रोप था, जो 4 से 6 पत्ती का 20 से 25 के दिन के अंदर जो रोप है, वो जो बीज है वो हो गया था। तो हमने हम उसको लगा कर कुछ बेट पे इस तरह से हमने उसको लगा दिया। मतलब 9 इंची की दूरी, ये 9 इंची की दूरी है हमारा, मतलब 9 इंची की दूरी ये है और यह 1 फीट की दूरी है। मतलब ये जो हमारा बेट है, ये वाला ये जो एक बेट है, ये 30 से 33 इंची का है। आप इसमें 30 से 33 इंची का बेट ले सकते हैं, भेसोला आप ले सकते हैं। उसको आप 9 इंची पर यूँ लगाए पत्ता गोभी, और 9 इंची पर यूँ भी लगा दें। और किसान भाइयों, हमने लगाने के बाद में इसको पानी भी छोड़ दिया था पत्ता गोभी में। किसान भाइयों, आप बेट की जगह गरड़ की भी लगा सकते हैं। जो गरड़ की है उसमें कम जो है ना माल आ पाता है। जैसे गरड़ की में कोई सिर पर लगा देता है गोभी, और कोई साइड पर लगा देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेट की ही पत्ता गोभी बोएँ। किसान भाइयों, आज हमारी पत्ता गोभी 20 से 25 दिन की हो गई है। 20 से 25 दिन की पत्ता गोभी हो गई है। और किसान भाइयों, 20 से 25 दिन में हमने हमारी पत्ता गोभी में आज 2 स्प्रे कर दिए हैं। एक स्प्रे मैंने पहले कर दिया था, और एक स्प्रे मैंने बाद में कर दिया। मैं आपको स्प्रे वाली वीडियो भी जल्द ला कर दिखाऊँगा। तो किसान भाइयों, देख सकते हैं पत्ता गोभी कुछ जो गोड़ है पत्ता गोभी के, कुछ ऐसे हो चुके हैं, पूड़ी बनने की लग गई है कुछ। अब आपके अनुसार कोई सा भी बीज ले सकते हैं पत्ता गोभी का। और किसान भाइयों, 20 से 25 दिन के बाद अंदर में हमने एक बार इसमें खाद भी दे दी है। जो बेट की पत्ता गोभी, भैंसोले की पत्ता गोभी है, उसमें हम बीच में कुछ इस प्रकार से हमने डाला है। इस प्रकार से हम इसमें खाद डाल सकते हैं। अभी हमने इसमें 2-3 दिन पहले डाला था। और किसान भाइयों, हमने इससे मज़दूरों द्वारा निंदाई गुड़ाई का काम भी चालू कर दिया है, और आज दवाई का स्प्रे भी कर रहे हैं हम। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय जवान, जय किसान।